वय प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्कार मैं श्रेष्ठ यादव एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूँ इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के विषय वस्तु से संबंधित सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की चर्चा शुरू की थी आज हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आगे आने वाले माइलस्टोन्स के बारे में चर्चा करेंगे तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं से प्रारंभ करते हैं आज हम लोग सोशल मैन थियोरी अर्थात समाज मानव सिद्धांत के बारे में अपनी चर्चा करेंगे हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में टेलर और फ्योल के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और जाना कि उस सिद्धांत में किस प्रकार से कर्मचारी और संगठन के महत्वपूर्ण अवयवों के बारे में जानकारी मिली अब हम लोग ये भी जान पाए थे कि इन दोनों थेरीज में कर्मचारियों की स्थिति या कर्मचारियों के महत्व का कम स्थान था किसमें संगठन में इसी के कारण आगे के जो स्कॉलर्स थे उन लोगों ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया इस थेरी में कर्मचारियों का संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया इस थेरी का यह मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यदि वह एक सामाजिक प्राणी है तो उसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है संगठन भी एक समाज की ही भांति स्वरूप लेता है तो जिस प्रकार समाज में मनुष्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है उसी प्रकार संगठन में भी मनुष्य अर्थात कर्मचारी का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए इस थ्योरी को पार्कर एवं बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित किया गया यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार इस थेरी में लास्ट की जो दो थेरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी वो डिफरेंट हैं और इन थेरीज़ में किस प्रकार कर्मचारियों के महत्व को समझने एवं स्थापित करने का प्रयास किया गया तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर संगठन में इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद के स्थान पर किसके बारे में पार्कर ने ज्यादा चर्चा की समूह नैतिकता मोरलिटी के बारे में अर्थात संगठन में हमें एक व्यक्ति के स्थान पर किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए समूह की नैतिकता को इस प्रकार से पार्कर ने इंडिविजुअल व्यक्ति के स्थान पर समूह को अधिक महत्व दिया आगे उन्होंने कहा या बताया कि प्रबंधक एवं कर्मचारी ये दोनों ही अपने आप को किसका एक इंटीग्रल पार्ट माने उस समूह का अर्थात चाहे आप मैनेजर हैं चाहे आप कर्मचारी हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी भूमिका है आपको स्वयं को किस प्रकार समझना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य करते हैं तभी उस ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी हायर होती चली जाती है अब हम लोग इसके जो अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ इन्होंने कहा संगठन को व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार से समझने का प्रयास करना चाहिए अर्थात यदि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन organization या ऑर्गेनाइजेशनल थेरीज के बारे में डिस्कशन करना है तो हमें किन दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में जानकारी एकत्र करनी होगी या किन दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना होगा तो वो होंगे इंडिविजुअल अर्थात कर्मचारी एवं ग्रुप और इनका आपस में व्यवहार तो इस प्रकार इन्होंने प्यूपिल ओरिएंटेड आइडियाज को अपने इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया पीपल ओरिएंटेड आइडियाज़ का अर्थ है जैसे ट्रेलर ने मशीन साइंस और उन दोनों का इंटरेक्शन का अधिक महत्व दिया और कर्मचारी और मानवीय जो व्यवहार हैं उनके ऊपर उनका कम ध्यान था या उन्होंने कम अपना ध्यान केंद्रित किया यहाँ पर जो व्यक्ति है पीपल ओरिएंटेड आइडियाज़ मानवीय व्यवहार मानवीय संवेद मानवीय परसेप्शन इसको लेकर अत्यधिक महत्व दिया गया अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं वो कब सिर्फ क्षमता बन के रह सकती हैं अर्थात यदि मेरे अंदर कोई एबिलिटी है भी तो वो कब तक सिर्फ एक एबिलिटी बन के रहेगी जब तक जब तक कि मैं अपने ग्रुप के एसोसिएशन अपने आप को उस ग्रुप से एसोसिएट करके उसका पार्ट बन के अपनी इस एबिलिटी को रिलीज़ ना करूं या यूटिलाइज़ ना करूं तो यहाँ उनके कहने का अर्थ था कि व्यक्ति की जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एबिलिटीज़ हैं इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या सही ढंग से उपयोग कब हो सकता है जब मैं खुद को उस ग्रुप के साथ एसोसिएट करूं और उस एसोसिएशन के साथ अपनी इन क्षमताओं का उपयोग या उन्हें इस्तेमाल करूं अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा कहा प्रबंधक का जो मुख्य कार्य है यहां पे मैनेजर का जो मेन जो, जो एक उसका बेसिक वर्क है वो क्या होगा समूह के प्रयासों में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना अर्थात जो ये मैनेजर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन के समूह हैं और समूह में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाए समन्वय स्थापित करे ताकि वो ग्रुप्स और ग्रुप्स में कार्य करने वाले व्यक्ति कर्मचारी भली प्रकार अपने कार्य को पूरा कर सकें अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में अपना योगदान दे सके इस प्रकार अब जो नेक्स्ट उन्होंने बात कही वो था प्रबंधक को पोजीशन या अथॉरिटी, जैसा कि ट्रेलर ने कहा अथॉरिटी एक किम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने भी कहा कि पोजीशन या अथॉरिटी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लेकिन उसके बजाय एक मैनेजर को एक व्यक्ति को किस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी स्पेशलाइजेशन पर और अपनी नॉलेज पर बहुत सामान्य शब्दों में अगर हम यहाँ कहें कि जैसे यदि एक टीचर है तो टीचर को किस चीज़ पर ज़्यादा बिलीफ ज़्यादा ट्रस्ट या ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो टीचर है या उसके पास कोई पोजीशन है या वो कोई एच है या उसके पास और कोई हिरार्किकल पोजीशन है नहीं उसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए किसके ऊपर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज़ के ऊपर यदि वो अपनी एक्सपर्टीज़ और नॉलेज पे फोकस करेगा तो इसी प्रकार से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर पाएगा यहाँ पर उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन जैपनीज़ कल्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जैपनीज ऑर्गेनाइजेशंस और कल्चर में इन सभी कंपोनेंट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है या कहिए कि वो लोग इनका बहुत ज़्यादा उपयोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग में करते हैं तो जैपनीज ऑर्गेनाइजेशन में जो एक महत्वपूर्ण वेरिएबल है चर है वह है ट्रस्ट अर्थात वहाँ पर कर्मचारी एक दूसरे पर कर्मचारी मैनेजर पर मैनेजर कर्मचारी पर एक ट्रस्ट की फीलिंग रखता है भरोसा करता है कि यदि उसने ये कार्य किया है तो सही होगा या अगर उसने ये कार्य किया है तो उसने मुझे बताया होगा एक दूसरे पर ट्रस्ट का जो क्लाइमेट है वो लोग डेवलप करते हैं जिससे उनकी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में स्मूथनेस और डेवलपमेंट आसानी से देखने को मिलता है इसके साथ साथ ही वो लोग टीम के एफर्ट और टुगेदरनेस अर्थात व्यक्तिगत एफर्ट्स नहीं टीम एफर्ट मैं क्या कर रहा हूँ मैंने क्या प्रयास किया मेरे प्रयास का क्या आउटकम आया इसके साथ साथ मेरी टीम का क्या आउटकम है मेरे पूरे ग्रुप का क्या आउटकम है हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या आउटकम है और हम लोग एक साथ मिलकर कितना अच्छे से किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं इसी को जैपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट की तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग हिस्सेदारी देते हैं और इससे उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने में फंक्शन करने में प्रोसेस करने में और आगे जो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं उनसे लड़ने में मदद मिलती है अब इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बर्नार्ड ने किस प्रकार से सोशल मैन थियरी में अपना कंट्रीब्यूशन किया बर्नार्ड बेसिकली वेबर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वेबर ने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में अपनी थ्योरी को डेवलप किया था तो हालांकि बर्नार्ड वेबर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे लेकिन वो उनके मैकेनिक और इंपर्सनल जो उनकी अप्रोच थी उसके अगेंस्ट थे इसीलिए उन्होंने अपनी इस थ्योरी में इन दोनों कंपोनेंट्स को ना रखकर इनकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया अब चूंकि वो मैकेनिक व्यू और इम्पर्सनल व्यू के अगेंस्ट थे तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की थेरी में ऑर्गेनाइजेशन को एक सामाजिक व्यवस्था सोशल सिस्टम के रूप में माना और परिभाषित किया और कहा कि जो संगठन है यह एक तरह का सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या आप कहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सोशल सिस्टम इनबिल्ट इन होता है और इस व्यवस्था को किसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानवीय सहयोग ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में जो एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं उनका हेल्प उनका सहयोग उनके एफर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए उसको स्मूथली फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है ऐसा बर्नार्ड का मानना था इसके अतिरिक्त बर्नार्ड ने प्रबंधक के मुख्य कार्यों के बारे में भी चर्चा की और उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी हैं उनका जो मुख्य कार्य है प्रबंधक जो उनका मुख्य कार्य है वह है कर्मचारियों से संवाद करना अर्थात कम्युनिकेट करना क्या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शंस के बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाली ज़िम्मेदारियों के बारे में कर्मचारियों के कार्यों के बारे में उनके रोल्स उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या उनके पास और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको उन्हें किसे कम्युनिकेट करना चाहिए कर्मचारियों को तो ये मैनेजर्स का एक पहला बेसिक कार्य है दूसरा उन्होंने कहा इसी के साथ साथ उन्हें अपने कर्मचारियों को प्रभावित करना चाहिए प्रभावित करने के लिए उनके पास उससे रिलेटेड स्किल्स नॉलेज होंगी और वो अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से कर्मचारियों को प्रभावित कर पाएंगे आगे बढ़ते हुए बर्नार्ड ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है तो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस एवं सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें कॉपोरेशन तथा हारमोनियस रिलेशनशिप कहाँ पर एम्प्लॉयज एवं एक्सटर्नल्स यहाँ पर एम्प्लॉइज का अर्थ है वो जो व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करते हैं तो उनका कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनका कॉपरेशन एक दूसरे के लिए उनका कॉपरेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की टीम या ग्रुप के लिए उनका कॉपरेशन मैनेजर्स के साथ उनका कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए तथा हारमोनीस रिलेशनशिप हारमोनीस रिलेशंस, एम्प्लॉयज़ के एक दूसरे के साथ एम्प्लॉयज के अपने सुपरवाइजर्स या सीनियर्स के साथ अपने जूनियर्स के साथ या हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग जुड़े हों उन सभी के आपस में हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए इस तरह के वातावरण में या कल्चर में जब कर्मचारी काम करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन को जो सक्सेस मिलनी चाहिए उस सक्सेस के मिलने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है तथा चूँकि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोग कॉपरेटिव हैं एक दूसरे के साथ उनके अच्छे संबंध हैं तो यदि आगे कभी कोई प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एम्प्लॉइज़ में या एम्प्लॉयज़ की अपनी कोई परेशानी आती है तो ऐसी कंडीशन में ये सभी लोग मिलकर उन चैलेंजेस को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट कंडीशंस में या डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस में जो सस्टेनेबिलिटी के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े वो भी व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं जैसे स्टेक होल्डर्स सप्लायर्स कस्टमर्स इन सभी के साथ भी कॉपरेटिव और हारमोनियस रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तो यहाँ हम लोगों ने सोशल मैन थ्योरी के कॉन्सेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मैरिट्स या उसके गुणों के बारे में चर्चा की अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट माइल स्टोन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट का उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे ये जो माइल स्टोन है इसे हम लोग बिहेवरल पर्सपेक्टिव एरा या बिहेवियरल परस्पेक्टिव अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण अप्रोच या बिहेवियरल एरा के नाम से जानते हैं जैसा कि यहाँ पर नाम से ही आसानी से ये जानकारी मिल सकती है कि यहाँ पर व्यवहार या मानव का जो व्यवहार है उसके बारे में अत्यधिक चर्चा की जाएगी यहाँ पर जो बाकी पर्सपेक्टिव्स या थेरीज़ हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस की हैं उसमें जो कुछ कमियां कहिए या जो कुछ लिमिटेशंस थी या जो डिफ़रेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने उन थ्योरीज़ को लेके क्रिटिसाइज किया था इस थेरी में उन लिमिटेशंस के आगे बढ़कर ऑर्गेनाइजेशंस को समझने और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की कि यहाँ पर इस दृष्टिकोण में जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो किसके ऊपर है ह्यूमन पीपल ऑर्गेनाइजेशन में कौन होंगे ये लोग कर्मचारी तो अर्थात बिहेवरल पर्सपेक्टिव में जो मेन फोकस है वो बाकी पर्सपेक्टिव्स की भांति अलग अलग कहीं टेक्नोलॉजी साइंस एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर या सोसाइटी पर ना होकर मनुष्य कर्मचारी एवं उसके बिहेवर बिहेवियर पर जो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में करता है उस पर ज़्यादा फोकस होगा तो यहाँ पर बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को समझने से पहले हमें दो और घटनाएं या दो और सिचुएशंस कंडीशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए ये दो वो घटनाएँ वो इवेंट्स या वो कंडीशंस हैं जिन्होंने बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को डेवलप होने में इमर्ज होने में हेल्प की और वो साइमटेनियसली इस पर्सपेक्टिव के एक अभिन्न अंग की तरह हैं तो इसमें जो पहला है वो है पर्सनल ऑफिस और जो सेकंड इवेंट या पर्सपेक्टिव है वो है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अब हम लोग पहले पर्सनल ऑफिस के बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है इसका क्यों उदय हुआ और इससे क्या क्या आउटकम्स या इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर एज ए सब्जेक्ट तो पर्सनल ऑफिस का जो डेवलपमेंट हुआ वो किसके साथ हुआ संघवाद के विकास के साथ अर्थात जब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस संघवाद का और नेशंस में कंट्रीज में संघवाद का डेवलपमेंट हुआ तो उसी के साथ साथ पर्सनल ऑफिस का इवेंट ये अप्रोच धीरे धीरे, धीरे डेवलप होने लगी बेसिक आइडिया जो था इसका था वेलफेयर किसका एंप्लॉयज का तो इसी के लिए उन लोगों ने क्या एक पोस्ट डेवलप की ओरिजिनेट की वेलफेयर सेक्रेटरी तो अर्थात अब ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक पोस्ट या एक स्पेसिफिक प्लेस था जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसका रोल था जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके वेलफेयर को इंश्योर करना उन कंडीशंस को उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर को नेगेटिव फॉर्म में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तथा उन फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना जो पॉजिटिव फॉर्म में इन्फ्लुएंस करते हैं तो जो निगेटिव फॉर्म में फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनको कम से कम करना तथा उन फैक्टर्स को प्रमोट करना जो कर्मचारियों के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको इंक्रीज करें उनकी वेलबींग well को उनके वेलफेयर को इम्प्रूव करें तो इसी प्रकार से ये एक पोस्ट डेवलप हुई इसके साथ आगे क्या डेवलपमेंट हुआ कि ये एक फंक्शन की तरह वर्क किया कैसा फंक्शन जो क्या कर रहा है गैप कम कर रहा है किस किस के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और उसके एम्प्लॉयज के बीच में तो आप देखेंगे कि इससे पहले हम लोगों ने जिन सिद्धांतों की चर्चा की उन सिद्धांतों में ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो गैप थे जो डिस्कशन के लिमिटेशंस थी उनका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया लेकिन यहाँ पर क्या किया गया कि ये जो कंडीशन इन्होंने डेवलप की इसने एक ब्रिज की तरह काम किया ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में अब अगर ऑर्गेनाइजेशंस को, कोई कंडीशन है कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉइज़ से तो वो वाया इस वेज एम्प्लॉयज़ तक अपनी सिचुएशंस uh, को अपनी इंफॉर्मेशंस को अपनी डिमांड्स को पहुंचा सकते थे अगर एम्प्लॉयज़ के पास कोई पॉइंट्स हैं डिस्कशन हैं कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो ये इस ब्रिज को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को अपने एम्प्लॉयर्स तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचा सकते थे तो इससे क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप था वो और ज़्यादा इस्ट्रॉन्ग हुआ क्यों क्योंकि अब हमारे पास एक दूसरे तक पहुँचने का माध्यम है हम एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं एक दूसरे को लेके जो भी स्टीरोटाइप्स या गलत फहमी जो भी एक दूसरे के मन में है अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं तो इस प्रकार पर्सनल ऑफिस ने बिहेवरल पर्सपेक्टिव को इमर्ज होने में व्यक्तियों के मानव के व्यवहार को और उनकी कंडीशंस को समझने में हेल्प की आगे पर्सनल ऑफिस ने जो इसका मुख्य उद्देश्य था क्या था वेलफेयर well करना किसका एम्प्लॉयज़ का तो वेलफेयर के लिए उन्होंने जैसे आवास उनकी चिकित्सा उनके हेल्थ इश्यूज, उनकी कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड अगर उन्हें कहीं रहने में या अकोमोडेशन में या किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसमें शिक्षा में उनके उनकी फैमिली की जो एजुकेशन की प्रॉब्लम है जो एजुकेशनल के सरकमस्टांसिस हैं वो और मनोरंजन अर्थात कि एम्प्लॉयज़ को जो एंटरटेनमेंट का टाइम मिलता है जो रेस्ट का टाइम मिलता है जहाँ पर वो कुछ समय के लिए एंजॉय कर सकें एंटरटेन कर सकें अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें ऐसी ऐसी जो स्थिति थी कंडीशंस थी उनमें सुधार करने के लिए सलाह दी और फोकस किया कि यदि हम अपने कर्मचारियों के इन कंडीशंस का ध्यान रखेंगे इन कंडीशंस में जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और उसके स्मूथ फंक्शनिंग को समझने में और उसको स्मूथली रन करने में ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलने में अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में हेल्प मिलेगी इसी को लेकर एक गुडरिच कंपनी ने अपने यहाँ पर 1900 में एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और ये जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में अब आ रहे हैं ये किसकी वजह से आ रहे हैं बिहेवरल पर्सपेक्टिव की वजह से इससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह के चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किए थे देखिए जिस जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होते रहे उन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में जो जो थेरीज आई जो जो स्कॉलर्स आए उनकी जो जो फिलॉसफी थी जो जो उनकी आइडियोलॉजी थी उन आइडियोलॉजी को उन्होंने प्रपोज किया इस्टेब्लिश किया और उन आइडियोलॉजी से रिलेटेड जो जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस में इनकॉर्पोरेट किए जा सकते थे वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस ने धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट किए क्योंकि उन और ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो है अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना तो उनका आइडिया बहुत क्लियर होता है कि ये जो थेरीज हैं ये जो नॉलेज हमारे पास है इसको हम मैक्सिमम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं जो उसकी फंक्शनिंग के मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल के जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव कर सकें तो जिस जिस तरह का पर्सपेक्टिव डेवलप होता रहा जिस जिस तरह के चेंजेस नॉलेज में आते रहे उसी तरह के चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस में आप लोग आसानी से देख पा सकते हैं उसी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ 1902 में नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी में तो आप देखेंगे कि इस तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर है जो पर्सपेक्टिव है एम्प्लॉइज़ का जो पहले कभी साइंटिफिक अप्रोच से शुरू हुआ जिसमें साइंस को मशीन्स को इंडस्ट्राइजेशन को ज़्यादा फोकस मिला फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव आया जहाँ पर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा इस्ट्रॉग पर्सपेक्टिव दिया ज़्यादा इस्ट्रांग फोकस किया उसके बाद आगे डेवलप हुआ सोशल मैन थियोरी जहाँ पर हमने सोसाइटी सोशल पर्सपेक्टिव्स को ज़्यादा फोकस किया उसी के साथ अब हम लोग बिहेवरल एरा में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके बिहेवरल पर्सपेक्टिव्स को और उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट या चेंजेस हैं उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशंस में होता हुआ देख सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट था वो था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हालांकि कुछ बुक्स में कहीं कहीं पर मंड्सबर्ग को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कहा गया है हालांकि ये कोई बहुत फॉर्मल वे नहीं है किसी भी आ, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को किसी भी एक सब्जेक्ट में बताने का टेक्निकली इन्होंने एक बुक लिखी 1913 में साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। यहीं से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ओरिजिन माना जाता है और इंडस्ट्रियल जो कंपोनेंट्स हैं उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एज ए सब्जेक्ट क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ वो हम लोग इस थियोरी के डेवलपमेंट के माध्यम से आगे डिस्कस करेंगे यहां पर देखिए चेंजेस क्या है अगेन साइंटिफिक स्टडी जैसा कि ट्रेलर ने कहा लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों ने फोकस क्या क्या किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर और कॉमन पैटर्न्स, जर्नल पैटर्न्स। तो इनका मानना था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिकली दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए या फोकस करना चाहिए किसके बारे में कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्या है कैसे हैं किस प्रकार के हैं और वो किस प्रकार हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं तथा वो कौन कौन से जर्नल पैटर्न्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक तरफ और जर्नल पैटर्न्स एक तरफ वो जर्नल पैटर्न्स कौन से हैं किस प्रकार वर्क करते हैं किस प्रकार हम उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और किस प्रकार ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं इसके लिए हमें साइंटिफिक स्टडी और साइंटिफिक नॉलेज को केंद्रित साइंटिफिक नॉलेज को इकट्ठा करना चाहिए इसके बाद इनका था वैज्ञानिक प्रबंधन और औद्योगिक औद्योगिक मनोविज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करना तो समहाव इनका जो पर्सपेक्टिव है वो वैज्ञानिक प्रबंधन और जो औद्योगिक मनोविज्ञान है उसके बीच में समेशनशिप एक रिलेशनशिप एक तरह का इंटीग्रेशन प्रपोज करता है और उसमें ट्रस्ट करता है बिलीव करता है तो यहाँ पर फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड फोकस और बिलीव इन साइंटिफिक मेथड्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी तो इन्होंने भी जो अपना मेजर फोकस था वो किस पर किया एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन में हम किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसीज को इम्प्रूव कर सकते हैं और इनका ये भी मानना था कि हम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू उनका उपयोग करते हुए एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं तो इस प्रकार अब इन इन्होंने आगे क्या और पर्सपेक्टिव दिए इन्होंने कहा कि यहां पर देयर शुड बी ए मैच किसका मैच होना चाहिए इंडिविजुअल की एबिलिटी का और वर्क की डिमांड का तो देखिए यहां पर दो चीज हुई पहला इंडिविजुअल इट्स अब उसकी कुछ स्किल्स हैं और दूसरा क्या है वर्क उसकी कुछ डिमांड्स हैं अब हमें क्या करना होगा एक बैलेंस या एक मैच क्रिएट करना होगा किन के बीच में इन दोनों के बीच में और जैसे ही हम इंडिविजुअल की स्किल्स और वर्क की डिमांड में मैच क्रिएट करेंगे तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ग्राफ है वो अप होगा ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग है वो इंप्रूव होगी क्यों क्योंकि यहां पर कार्य करने वाले के कार्य को भली भांति पूर्ण करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अधिक होगी क्योंकि उसके पास उस वर्क को पूरा करने के लिए जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत है जिन डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो चाहिए जो निपुणता जो स्किल्स जो एबिलिटीज चाहिए वो इंडिविजुअल में मौजूद हैं तो उन स्किल्स और एबिलिटीज का यूज़ करते हुए वो उस वर्क की डिमांड्स को आसानी से कंप्लीट कर पाएगा अब नेक्स्ट था चयन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग इन्होंने एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण जो योगदान दिया वो था साइकोलॉजिकल टेस्ट इनका मानना था कि एम्प्लॉयिज़ को सिलेक्ट करते हुए हमें डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट को उपयोग करना चाहिए उससे हम लोग क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयी के डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ उसकी और इस्किल्स उसके एटीट्यूड उसके इमोशन्स उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमारे पास उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने से पहले ही डेटा अवेलेबल होगा तो चूंकि हमारे पास उसकी साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है एबिलिटी है पर्सनैलिटी है स्किल्स हैं एटीट्यूड है एप्टीट्यूड है इमोशनल है इमोशंस के ऊपर कंट्रोल इस तरह के जो हमें नीड्स हैं जो हमारी वर्क की डिमांड्स हैं उनका डेटा अवेलेबल होगा तो हम लोग एम्प्लॉय अर्थात इंडिविजुअल और वर्क की डिमांड के बीच में इजीली एक मैच इस्टेब्लिश कर पाए तो इनका एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन में साइकोलॉजिकल टेस्ट को योग यूज़ करने का एक महत्वपूर्ण योगदान है इसके अतिरिक्त इनका मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन अर्थात ट्रेनिंग एंड इंसेंटिव इंसेंटिव सिस्टम मोटिवेशन मोटिवेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण योगदान होता है हमें अपने एम्प्लॉइज़ को डिमांड्स समय के अनुसार चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के अकॉर्डिंगली या और जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस हैं उनसे किस तरीके से आपको ओवरकम करना है ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आप अपने वर्क को और बेहतर कर सकते हैं इसके लिए समय समय पर डिफ़रेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाना चाहिए और उसी के साथ साथ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस में इंसेंटिव प्रोत्साहन के उपयोग के बारे में भी जोर दिया और इंसेंटिव्स का क्या प्रभाव ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस पर हो सकता है इसके बारे में हमें जानकारी दी तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक आ, बिहेवरल एरा के जो प्रिकर्सर्स जो इवेंट्स थे उनके बारे में चर्चा की अब हम लोग आगे मानव संबंध विचारधारा अर्थात ह्यूमन रिलेशन अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे यह एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है आज के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जिस प्रकार से शेप मिली है जिस प्रकार की आज उसकी कंडीशन है जिस प्रकार की आज उसकी विषय वस्तु है इसमें ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण योगदान है जैसा ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट लिखा ही है मानवीय संबंध तो यहाँ पर ह्यूमन अर्थात एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशन का एक महत्वपूर्ण जो डिस्कशन है इस विचारधारा या अप्रोच में किया गया एल्टन मायो को माना जाता है कि उनका इस विचारधारा में एक महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को एक साइंटिफिक डेटा एक साइंटिफिक वैलिडिटी मिली जिससे इस विचारधारा को ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस को ओन करने वाले लोगों ने एक्सेप्ट किया माना कि हाँ इस विचारधारा के जो विचार हैं जो आइडियोलॉजी है जो इनके पर्सपेक्टिव हैं जो इनके सजेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान अदा कर सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं व्यक्ति उनकी सोशल सामाजिक एवं साइकोलॉजिकल आवश्यकता का अध्ययन उनकी स्टडी और उनकी पूर्ति उन्हें फुलफिल करने पर जोर दिया गया अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स में आने वाली थ्योरीज का डिस्कशन किया उसमें सामाजिक स्थिति या सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में तो फिर भी चर्चा हुई लेकिन जो साइकोलॉजिकल आवश्यकताएं हैं उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की गई थी तो इस मूवमेंट के माध्यम से हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो साइकोलॉजिकल नीड्स साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयज़ के बारे में एम्प्लॉइज़ के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स का ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और उसके सक्सेस पर पड़ने वाले कंट्रीब्यूशन का जो प्रभाव है उसके अध्ययन को पहली बार इसी विचारधारा ने इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया तथा यह भी प्रयास किया कि व्यक्ति की एम्प्लॉय की जो सोशल और जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उन्हें जानने के साथ साथ उनको पूरा करने का भी प्रयास किया जाए ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कंडीशंस, इस तरह के इवेंट्स इस तरह की प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करे जिसका आउटकम एम्प्लॉइज़ की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करे जैसे ही कर्मचारियों की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड फुलफ़िल होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए अपना हंड्रेड परसेंट देने का प्रयास करेंगे और वो अपना हंड्रेड परसेंट इन कंडीशंस में दे पाएंगे इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने माना कि यहाँ पर हमें लेकिन दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाने के साथ साथ किस पे ज्यादा फोकस करना है एंप्लॉयज पर किसकी अपेक्षा अभी तक हम लोगों ने मशीन्स और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन किया लेकिन इनका क्या मानना था कि इनकी अपेक्षा मतलब इनको भी आपको कंसीडर करना है लेकिन इनके साथ साथ इनसे भी ज्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या डेवलपमेंट के लिए किस पे ज्यादा फोकस करना होगा एम्प्लॉयज पर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रीगल पार्ट है उसका रिसोर्स है इससे पहले ह्यूमंस, अर्थात कर्मचारियों को वहां पर एक एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट किया जाता था लेकिन अब चूंकि हम लोग एम्प्लॉयज पर ज़्यादा ध्यान देंगे उसे एज ए रिसोर्स ट्रीट करेंगे तो उसके डेवलपमेंट पर भी फोकस कर पाएंगे अब यहाँ पर ये यह जो ट्रांजेक्शन हुआ ये किस तरह का ट्रांजैक्शन का फेज रहा ये ट्रां, ट्रांजेक्शन हुआ मशीन एक्सटर्नल फैक्टर्स से एम्प्लॉयज की तरफ इससे पहले हम लोगों ने साइंस मशीन एक्सटर्नल फैक्टर्स और अब हम लोग मूव कर रहे हैं किसकी तरफ एम्प्लॉइज की तरफ तो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के डेवलपमेंट को शो करता है अब जो नेक्स्ट है यह है ट्रांसफरेंस किससे फॉर्मल स्ट्रक्चर्स से सोशल फैक्टर्स तक इससे पहले हम लोग सब फॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स थे फॉर्मल डिस्कशंस थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की अब हम लोग किसके बारे में ज्यादा मूव कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स की तरफ एम्प्लॉयज की तरफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में एक सबसे बड़ा योगदान हुआ हॉर्थॉन एक्सपेरिमेंट का यहां पर 1924 से 1932 तक एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को ही हॉर्थन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है इन एक्सपेरिमेंट में मुख्यतः चार एक्सपेरिमेंट किए गए और चूंकि यह एक्सपेरिमेंट हॉर्थॉन प्लांट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुए वहां पर इन एक्सपेरिमेंट्स को किया गया इसीलिए इसका नाम हॉर्थन एक्सपेरिमेंट पड़ा ये एक्सपेरिमेंट इस कंपनी के इंजीनियर्स के द्वारा इनिशिएट किए गए उन लोगों ने इन एक्सपेरिमेंट को शुरुआत दी सबसे पहले शुरू किया और उसके बाद उन्होंने एल्टन मायो को इन एक्सपेरिमेंट्स में इंटीग्रेट किया और जोड़ा उसके बाद मायो इंजीनियर्स और मायो के जो एसोसिएट्स थे उन लोगों ने मिलकर इन एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट किया और इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को सभी के सामने रखा इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़े चेंजेस ड्रास्टिक चेंजेस की तरह आगे उसे बढ़ाया और अब एक बड़े चेंज की तरफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आगे बढ़ा तो जो इसमें पहला एक्सपेरिमेंट था उसे हम लोग जानते हैं एलुमिनेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से दूसरा रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट के नाम से और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था वो था इंटरव्यूइंग प्रोग्राम जो फोर्थ और लास्ट एक्सपेरिमेंट था वो था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम ये चार डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए और इन चार डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आए जो अलग अलग एरियाज में अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक डिफरेंट तरह के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने में मदद किया तो अब हम लोग एक एक करके इन चारों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या थे किस प्रकार किए गए और इन एक्सपेरिमेंट्स का क्या रिजल्ट आया और उस रिजल्ट से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या चेंजेस आए तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट के लिए टू ग्रुप डिजाइन यूज किया गया जिसमें दो ग्रुप्स थे पहला कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या टेस्ट ग्रुप इसे कहा गया अब चूंकि दो ग्रुप्स हैं इन दोनों ग्रुप्स में अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को वर्कर्स को एम्प्लॉयज को रखा गया तो अब हमारे पास दो वर्कर्स के पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप हुए एक कंट्रोल ग्रुप एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें जो हम लोगों ने मैनिपुलेशन प्लान किया था एल्यूमिनेशन में वो इनकॉर्पोरेट किया गया और कंट्रोल ग्रुप को एज़ इट इज़ रखा गया ये जो अजम्पशन थी इस एक्सपेरिमेंट की या हाइपोथाइज किया गया था वो था कि जैसे जैसे इल्यूमिनेशन को बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी और जैसे जैसे इल्यूमिनेशन को कम किया जाएगा रोशनी को कम किया जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्टिविटी कम होगी ये एक सिंपल हाइपोथेसिस डेवलप की गई लेकिन जो रिज़ल्ट आया वो रिज़ल्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली नहीं मिला जिस प्रोपोर्शन में ये अज्यूम किया गया कि जैसे जैसे लाइट बढ़ाई जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा और जैसे जैसे लाइट कम की जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्शन घटता चला जाएगा इस तरह के रिजल्ट्स वहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट में नहीं मिले देखा गया कि प्रोडक्टिविटी का मात्र या मेयर इल्यूमिनेशन या इन एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उसका प्रोडक्टिविटी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका तो उन लोगों ने रिजल्ट दिया कि जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं ये डायरेक्टली और लोन लिया कहें कि ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रभावित नहीं करते हैं अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम रिले असेंबली टेस्ट रूम में एक स्पेसिफिक तरह का जो काम था जो कैसा था उबाऊ और बार बार दोहरा रिपीटेशन वाला था उस कार्य को लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें असेंबल करना था किसको टेलीफोन के रिलेस को तो एक सिंपल सा टास्क था जिसमें बार बार आपको रिपीटेडली असेंबल टेलीफोन के रिलेस को बार बार असेंबल करना था उसके लिए एक जो सिंपल नॉर्मल uh, जो डिपार्टमेंट था उससे सिक्स वूमेंस को पार्टिसिपेंट्स को पिक किया गया ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन सकें और एक सीरीज़ में प्लान्ड रूप में कंट्रोल्ड चेंजेस किए गए कैसे कि जो हमारे पास पार्टिसिपेंट थे वूमेन थे उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वर्किंग आर्स हैं उनका जो रेस्ट का आर है उनके रिफ्रेशमेंट हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं उनमें सिस्टमेटिकली प्लैंड वे में मैनिपुलेशंस चेंजेस किए जाएंगे और इसका जो इम्पोर्टेंट था वो था कि ये जो चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जाने वाले हैं इन चेंजेस को उन वुमेन्स से उन पार्टिसिपेंट से पहले डिस्कस किया गया कंसल्ट किया गया और जो चेंजेस हैं उनके लिए जो उनके पर्सपेक्टिव हैं उनको उन्हें बताने का मौका दिया गया उनसे डिस्कशन किया गया कि ये जो हम करने जा रहे हैं इसके लिए आपके क्या विचार हैं तो उसके बाद उन्होंने देखा कि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हुआ तो ये जो रिज़ल्ट हमारे सामने आए इन रिज़ल्ट का अर्थ हुआ कि जब सुपरवाइज़र अटेंशन देता है एम्प्लॉयज़ को तो उससे क्या डेवलप हुआ उन एम्प्लॉयज़ में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टीम की स्प्रिट टीम स्प्रिट डेवलप हुई और गुडर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप हुए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप हुए तो ये जो आउटकम्स हमारे सामने आए इन आउटकम्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं या आप कहिए जो कारक हैं वो क्या हैं इस तरह के पर्सपेक्टिव, जो कब डेवलप हुए जब जब आपने अपने कर्मचारियों से जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें प्रपोज करने थे वो जो चेंजेस प्रपोज करने से पहले डिस्कशन किया गया बात की गई उससे उन कर्मचारियों के मन में अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने सुपरवाइज़र अपने सीनियर्स को लेकर एक स्पेसिफिक पॉजिटिव ओरिएंटेशन एटीट्यूड डेवलप हुआ और उसी के कारण उनके जो कार्य क्षमताएँ हैं जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो पाई उसके बाद जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था यह था इंटरव्यूइंग प्रोग्राम इससे पहले जो डेटा कलेक्ट किया जाता था अधिकतर स्टडीज में वो यस और नो तो उसी लिमिटेशन को आगे कम करने के लिए यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस को इस्तेमाल किया गया और एक लार्ज स्केल पे एक इंटरव्यू प्रोग्राम चलाया गया उसमें वो जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो ओपन एंडेड था नॉन डायरेक्टिव था अर्थात कर्मचारियों के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने सुपरवाइज़र अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के बारे में जो उनके विचार हैं जो उनके पर्सपेक्टिव हैं जो वो चेंजेस बिलीव uh, करते हैं या वो जो चेंजेस चाहते हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकें बता सकें तो यहाँ पर उन्हें अपने एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स के लिए एक कम्प्लीट अपॉर्चुनिटी दी गई तो यहाँ उन्होंने देखा कि जो उनके सुपरवाइज़र्स वर्किंग कंडीशन या वर्क रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनकी जो राय है अब हमारे पास आ गई इसके बाद उन्होंने जो ये आ, उनके पास इंटरव्यूज़ आए उसे एनालिसिस किया तो उसके जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ इस प्रकार थे तो उन्होंने इन रिजल्ट्स में ये कंक्लूड किया कि जो कंप्लेंट्स हैं ये क्या है ये एक सिंपल सा एक आउटकम है या आप कह सकते हैं कि एक मात्र आउटकम है लेकिन इनके जो कॉजेज हैं वो डीप रूटेड हो सकते हैं अर्थात अगर कोई किसी से कोई कंप्लेंट कर रहा है शिकायत कर रहा है तो ये उसका एक आउटर लेवल है उसके जो कॉजेज हैं वो कंप्लेंट को जब आप डिस्कस करेंगे उसके बारे में जानेंगे तो उसके कोई बहुत ज़्यादा डीप रोटेड कॉजेज हो सकते हैं सेकेंड कर्मचारियों की जो डिमांड्स हैं वो उनके सोशल एक्सपीरियंसेस चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हों विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हो उससे प्रभावित होते हैं तो अगर आज कोई डिमांड है एम्प्लॉइज़ की तो उसमें उसके सोशल एक्सपीरियंसेस, उनके रिलेशनशिप उनके सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उसके बाद एक और जो कंक्लूज़न आया कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग कि किसी व्यक्ति की जब आप बात सुनते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी या बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने में आपको मदद मिलती है इसके बाद जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था ये था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम इसके लिए जो पर्पस डेवलप किया गया वो था कि ग्रुप का क्या इम्पैक्ट पड़ता है अब तक हम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया तो यहाँ पर हमने ये जानने का प्रयास किया कि ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके लिए 14 जो पार्टिसिपेंट्स थे मेल थे उन्हें चूज किया गया और एक जो कंक्लूजन हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिला वो इस तरह था कि जो एक बिग फॉर्मल ग्रुप है वो धीरे धीरे कैसे चेंजेस में चाहता है छोटे छोटे इनफॉर्मल स्मॉल ग्रुप बना लेता है तो यदि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा वो बड़ा ग्रुप छोटे छोटे एक इनफॉर्मल ग्रुप के फॉर्मे फॉर्मेट में चेंज हो जाता है और ये छोटे छोटे जो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं इनमें अपने आप ये लोग मिलकर एक अघोषित अनडिक्लेयर्ड लीडर डेवलप कर लेते हैं या कोई एक व्यक्ति अनडिक्लेयर्ड लीडर की तरह वर्क करने लगता है और जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं तथा और ये साथ ही साथ अपने लिए एक डिफरेंट सोशल नॉर्म्स डेवलप कर लेते हैं वो छोटे छोटे से ग्रुप अपने छोटे छोटे सोशल नॉर्म्स इस्टेब्लिश करते हैं और उनका बिहेवियर उनके लीडर और इन सोशल नॉर्म्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है तो यदि हमें उनके व्यवहार को प्रभावित करना है तो उसमें ये लीडर्स और उन स्मॉल ग्रुप्स के जो नॉर्म्स हैं वो एक बिगर रोल प्ले करते हैं साथ ही ये कंक्लूज़न आया कि जो पीयर प्रेशर है और जो पीयर इन्फ्लुएंस है या सोशल प्रेशर है ये कर्मचारियों के व्यवहार को एक सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है तो यदि हमें ग्रुप और ग्रुप को अंडरस्टैंड करना हो ग्रुप की फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करना हो तो इसके लिए बैंक वायरिंग एक्सपेर ऑब्जरवेशन एक्सपेरिमेंट ने हमें एक नई इंसाइट डेवलप की अब ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट का इवेलुएशन तो हमने देखा कि यहाँ पर वर्क स्पेस या वर्क प्लेस और जो ह्यूमन रिलेशंस थे उस पर ये हमारा पूरा का पूरा मूवमेंट या अप्रोच इस्टेब्लिश है यहाँ पर ग्रुप और लीडरशिप के कंपोनेंट्स और उनके प्रभाव के बारे में फोकस किया गया उसी के साथ साथ ग्रुप में कैसे कम्युनिकेट होता है किस तरह की अभिप्रेरणा मोटिवेशन और मोटिवेशन का क्या प्रभाव होता है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग पर प्रोडक्टिविटी पर तथा इंटरपर्सनल रिलेशंस की जो महत्व है उसके बारे में ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में विस्तृत रूप से चर्चा की गई यहाँ पर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको कुछ कम महत्व दिया गया साथ ही साथ बहुत सारे क्रिटिकल व्यूज़ भी मिले ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को जिसमें बेसिकली उनको क्रिटिसाइज किया गया कि जो उनका प्रोसेस है इसके प्रोसेस इसके एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस एनालिसिस फाइंडिंग्स और कंक्लूजन के जो वैधता है जो वैज्ञानिक वैधता है उसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिकल क्वेश्चंस रेज किए तथा जो ये ट्रांजेक्शन है टुवार्ड ह्यूमन रिलेशन ये हमें ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट्स में विजिबल दिखता है तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिस्टोरिकल जो माइलस्टोन्स थे उनके बारे में अपने डिस्कशन को कंप्लीट किया आज की इस कक्षा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो